मैं फिर भी भगवान से हाथ जोड़ता है, भगवान से गुहार लगाता है कि मुझे बारिश चाहिए। उसके घर की छत छत टपकती है, फिर भी वो गुहार लगा रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मुझे बारिश चाहिए। वो राष्ट्र देश के लिए, अपने विकास के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए क्या कर रहा है? वो देश को बढ़ाने का काम कर रहा है, पर मेरे देश का युवा क्या कर रहा है? मेरे देश का युवा अपने राष्ट्र को डुबोने का काम कर रहा है और उन नशीली दवाओं के लिए प्रार्थना कर रहा है जिन दवाओं से हमारा कोई काम नहीं आने वाला। उन दवाओं के लिए वो प्रार्थना करता है। विधवा हो रही सुहागने और राखी पर रोती है बहने, जिन माँ बाप का सहारा बनना था उसे, आज वो उन्हीं माँ बाप पे बोझ बनता जा रहा है। भाइयों बहनों, जब मैं भारत के आंकड़े खरगोश कर देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है? मुझे अपने राष्ट्र का क्या दिखता है? 70 लाख ऐसे आंकड़े दिखते हैं जिसमें मेरे देश का युवा 70 लाख की आबादी पार कर चुका है, जो नशा की चपेट में आ चुका है। और चिट्टा को मैं कैसे भूल जाऊं? प्रसिद्ध चिट्टा नाम का विषाद, मैं तो विषाद कहूंगा, प्रसिद्ध चिट्टा नाम का विषाद ने मेरे देश के, मेरे राष्ट्र के 10 लाख युवा को अपनी चपेट में ले लिया है, जो निरंतर इसको अपनी चपेट में ले रहा है। जब मैं अपनी नजर घुमाकर देखता हूं तो मुझे अंधकार नजर आता है और मुझे अपने राष्ट्र का वो धुंधला विकास दिखता है, धुंधली प्रवृत्ति वाला राष्ट्र विकास दिखता है। ऐसे मेरे देश का विकास नहीं होगा, ऐसे मेरे राष्ट्र का विकास नहीं होगा। अरे, जिस भूमि पे मैं खड़ा हूं उस भूमि को देवों की भूमि कहा जाता था। अरे भाइयों और बहनों, उस भूमि को क्या कहा जाता था? देवों की भूमि। उस देवों की भूमि में मैं उन आंकड़ों को बताने से खुद को शर्मिंदा महसूस करता हूं कि मेरा देश हिमाचल भी इस नशे की तरफ अपने पैर पसार चुका है और इस देश में नशा निरंतर हमें खाए जा रहा है। हम सबको प्रण लेना होगा, हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी मेरे देश से यह जाल खत्म होगा। और नशे वाले व्यक्ति के पास सिर्फ क्या होता है कि शाम की शराब का कैसे इंतजाम होगा, कैसे वो शाम की शराब का इंतजाम करेगा? घर के भांडे बर्तन बिक रहे, मां और पत्नी का उस सुनार के पास मंगलसूत्र गिर भी रखा पड़ा है और उसको चिंता